रात के 12 बज चुके थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डाइनिंग टेबल पर अपने पति का इंतजार करती रागिनी उठकर दरवाजे की तरफ गई। इतनी देर में 3 बार दस्तक हो चुकी थी। उसने दरवाजा खोला कि तभी उसका पति अतुल हांफते हुए घर के भीतर आ गया और दरवाजा बंद करते हुए कांपती आवाज में बोला, दरवाजा मत खोलना। अतुल, तुम इतने डरे हुए क्यों? आखिर हुआ क्या है? वह जान से मारने के लिए मेरा पीछा कर रही है, वो अब जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है और मारना क्यों चाहता है? तभी जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। तुमने किसी से झगड़ा किया है जो वो तुम्हें मारने आ गया है? आवाज मत करो रागिनी, और वो मुझे नहीं तुम्हें मारने आई है। मुझे कौन मुझे मारना चाहती है और मैंने क्या किया है? वो तुम्हें अपने साथ लेने आई है, वो शैतानी आत्मा। और तभी दोबारा दरवाजे पर दस्तक होने लगी। रागिनी सहम गई और दरवाजे के बाहर अतुल खड़ा था जो जोर जोर से दरवाजा पीट कर रागिनी को बचाने आया था उसी शैतानी आत्मा से जो अतुल के रूप में अंदर थी।